नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप इस वक्त देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स, आपकी आवाज। कोविड 19 को लेकर पूरे देश में वार योद्धाओं की तरह काम कर रही है तो मीडिया। इस वक्त डेजर्ट टाइम ने ऐसे ही मीडिया बंधुओं से साथ एक शो आयोजित किया है। इस दौरान हमारे साथ लाइव में बेंगलोर से जगदीश जी हैं, माउंट आबू से सुनील आचार्य जी हैं, जालोर राजस्थान से दिलीप डूडी जी हैं और बाड़मेर राजस्थान से दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित हैं। आप सबका स्वागत है। नमस्कार निखिल जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो दुर्ग सिंह जी आपसे शुरू करता हूं। अब तक ये था कि बाड़मेर जो है बिल्कुल बचा हुआ था, यहां पर किसी तरह का कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन रामगंज से अब्दुल रहमान जी आपके यहाँ आ गए, तो अब क्या स्थिति है? नहीं, आप सिर्फ अब्दुल रहमान जी की बात क्यों करते हैं? बड़े बड़े जो जिम्मेदार जो लोग थे वो आ गए। आपके गडरा के जो वीडियो साहब हैं वो, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सरहद के सुरक्षा करे, क्योंकि वहां तो बीएसएफ भी है, वहां पे सुरक्षा एजेंसियां भी है, वहां आम जो जनता है वो तो है ही, लेकिन आम जनता की खैर छोड़िए, सुरक्षा की छोड़िए, वो तो खुद जैसलमेर जाके आ गए और वहां पर जाकर उन्होंने न केवल अच्छी तरीके से चाचा गांव और दूसरे जो इलाके हैं वहां का भ्रमण किया और घूम फिर के वापस लौटे, और उसके बाद खुद को न केवल छिपाया बल्कि प्रशासन को ये सूचित करना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं वहां से होकर आया हूँ और मुझे क्वारंटाइन कर लीजिए या मैं होम आइसोलेशन में रहना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है निखिल जी कि जिम्मेदारी लापरवाह हो गई, तो अब क्या बात करें। आज ही एक और बात सामने आई कि एक 440 के भी जीएसएस कार्यरत एक जनाब है, वो जयपुर घूमकर आ गए, बता रहे हैं कि 3-4 दिन वहां से गायब रहे और उसके बाद उन्होंने वहां बताया नहीं, उसके बाद आज उनके जो अधिकारी है वो सफाईया देते फिर रहे। खैर, प्रशासन जो है वो एक जो निखिल जी पूरी कोशिश कर रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगा के प्रधानमंत्री, सारे के सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है, इसलिए लॉकडाउन भी बढ़ गया। आपने आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से घोषणा की, तो आप देखिए कि जिम्मेदार जो है वो खुद लापरवाह बन रहे हैं और इतने बड़े इलाके की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो सारे के सारे अधिकारी जो एक बहुत बड़ा गिने चुने 2-4 लोग हैं जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि नाकाम तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब्दुल रहमान जी आ गए, लेकिन जिम्मेदार जो है उनको और ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सारे के सारे जो लोग एक प्रयास कर रहे हैं, केंद्र से लगा के राज्य तक, पूरा देश, पूरे देश के करीब 1.5 अरब लोग लगातार इतने दिन से जो प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना हमारे आसपास नहीं आए, लेकिन ऐसे जो लापरवाह लोग हैं इनमें और फिर तबलीगी में अगर बराबर की तुलना करें तो बड़ी बात नहीं होगी। निखिल जी, दुर्गजी एक चीज बताइए कि आप जो मीडिया में हैं, आप वहां पर तमाम पल पल की चप्पे चप्पे की खबर रख रहे हैं, जब आप इस तरह की खबरों को एक्सपोज करते हैं, जब आप इस तरह की खबरों को एक्सपोज करते हैं तो जब अधिकारी बेनकाब होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई कर रही है सरकार? देखिए, अब्दुल रहमान की अगर बात करें तो वो तो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद पूरी की पूरी कहानी मीडिया ने जब खुली की तब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कलेक्टर को जो डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा उनको लिखना पड़ा बीकानेर, सारे के सारे जो मीडिया के द्वारा खुलासे हो रहे हैं। आपके जो वीडियो का आपने खुलासा किया उसके बाद वीडियो पे कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पे उनको नोटिस बताया जा रहा है कि दिया गया है और उनसे पूछा गया है कि आपने ये लापरवाही क्यों की, और साथ में एक मतलब इस दौर में भी दुर्ग सिंह जी, इस दौर में भी सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, औपचारिकताएं हो रही है, जबकि एक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। ये मामला कोविड, देखिए जब 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 अधिकारी खुद मान रहे हैं तो उनको इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि बिना सूचना के बीडीओ साहब जो है वो जैसलमेर का दौरा करके आ गए, तो सीधे तौर पे उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई होनी चाहिए जो अब्दुल रहमान के खिलाफ हुई थी। तो इसमें किस लिए इतना सोचा जा रहा है, क्यों नोटिस दिए जा रहे हैं? हालांकि हो सकता है ये प्रक्रिया हो कि बिना नोटिस के उनको सस्पेंड नहीं किया जाए, लेकिन सस्पेंड करने की एक जो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इसकी सजा जो सस्पेंशन है वो तो होगी, वो दिखी नहीं।
जी दूसरी जी, फिर आऊंगा आपके पास। दिलीप जी, आप जालोर से हैं, ग्रेनाइट सिटी से हैं, आपने एक लंबी पत्रकारिता की है, आप बताएंगे दुर्ग सिंह दिलीप जी की वाकई स्थिति क्या है, लोग इन शहरों में जहां आप जालोर से हैं वहां लोग अपने आप को लॉकडाउन किए हुए हैं या नहीं है? जालोर में अभी स्थिति कंट्रोल में है क्योंकि यहाँ प्रशासन पहले सतर्क हो गया था, प्रवासी खूब सारे यहाँ आए हैं लेकिन यहाँ अभी तक कंट्रोल में, अभी तक एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है। करीब 190 यहाँ सैंपल लिए थे, लगभग अभी तक सारी चीजों को दिलीप जी आपकी आवाज थोड़ी धीरे, अगर आपका आवाज तेज करेंगे तो प्लीज। बीच में जो अब्दुल रहमान जी यहाँ से गुजरे थे उस समय थोड़ा डर बैठा था जी, लेकिन अभी तक 190 जो सैंपल लिए वो सारे नेगेटिव आए हुए हैं और हमारे जिले की स्थिति पूरी कंट्रोल है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रशासन पूरा लगा हुआ है, सारी बॉर्डर की जो सीमा है वो सारी सील की हुई है। नहीं, एक चीज बताइए कि आपके वहाँ पर जो लोग हैं वो खुद लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है, लोग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि करीब 1,00,000 लोग प्रवासी यहाँ आए हैं जालोर में बाहर से, प्रशासन ने उनको पहले ही होम आइसोलेट कर दिया और जहाँ संदिग्ध लगे हैं उनको अलग कर दिया घर से, तो यही रहा है कि यहाँ अभी तक तो मामला कंट्रोल है, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कोई नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जी दिलीप जी, आप तक फिर आऊंगा। माउंट आबू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सुनील आचार्य जी। सुनील जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, ठीक है। सुनील जी, हमें जहां जानकारी मिल रही है अब तक ये है कि आपके माउंट आबू में भी अब तक कोई COVID-19 का कोई मरीज सामने नहीं आया है? बिल्कुल, अभी माउंट आबू में क्या पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में भी कोई भी मरीज COVID-19 का अभी आया नहीं है, और हमारे जो स्कैनिंग हुई है और जितने भी जो टेस्ट हैं वो सारे नेगेटिव आए, ये बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन आपके यहाँ चूंकि ज्यादा खतरा ये था कि आपका माउंट आबू तो चूंकि एक पर्यटन नगरी है, लोग बहुत पर्यटक वहाँ पर आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो बड़ा चैलेंज था माउंट आबू के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पहले ही सीरियसली ले लिया था कि भाई कोई इस तरह का कोई व्यक्ति आ रहा है, तो इसकी पूरी डिटेल उन्होंने कलेक्ट जरूर की थी कि आपके क्षेत्र के में कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ जो फॉरेन से आया हुआ या दूसरी जगह से आया हुआ, तो उसकी पूरी की पूरी उसको आइसोलेशन किया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए, और इसका काफी बड़ा बेनिफिट भी हुआ, लोगों को क्वारंटाइन किया 15 दिन के लिए, क्या पैसे चाहे अहमदाबाद से आए चाहे जयपुर से आए चाहे दिल्ली से आए, ऐसे व्यक्ति की लास्ट 15 डेज की उन्होंने हिस्ट्री मांगी और उससे उन्होंने क्वारंटाइन किया, और उस क्वारंटाइन से ये फायदा हुआ कि जो सस्पेक्टेड थे उनसे उनका जो सैंपल्स लिए, सैंपल्स लेके जब उनका नेगेटिव आया तो प्रशासन को भी राहत मिली और हमारे को भी राहत मिली। जी सुनील जी, आप तक फिर सुनील जी आप तक फिर आऊंगा। इस वक्त बैंगलोर से हमारे साथ जगदीश जी हैं। जगदीश जी, आप राजस्थान से हैं और इस वक्त बैंगलोर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत से राजस्थानी प्रवासी लोग हैं जो इस वक्त बैंगलोर में अलग अलग जगह से फंसे, हमें रिपोर्ट आ रही है, वहाँ जो राजस्थानी प्रवासी बंधु हैं उनकी क्या स्थिति है जगदीश जी? जी बिल्कुल, ये सच है कि राजस्थान के काफी प्रवासी हैं जो अपने रोजगार के लिए यहाँ पे बेंगलोर में कार्यरत है, कार्य करते हैं, कोई अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं हमें मिला है, ऐसी कोई खबर नहीं मिली है इन दिनों में। मान लो अगर जिस दिन 22 तारीख को हमने सुना था लॉकडाउन हुआ, उस दिन लॉकडाउन के टाइम में जो लोग वो 4 दिनों में ऊपर नीचे जो टाइम था उस टाइम निकल गए अपने अपने साधनों से या किसी भी तरीके से, वो लोग ऐसा सुनने में आया बीच में कहीं रुके हुए हैं, बीच में उन लोगों को कहीं पहुंचाया है कोई जगह पे, जैसे महाराष्ट्र का बॉर्डर था तो पूरा सील था। दुरत सिंह जी की अभी हाल ही में रिपोर्ट पड़ रहा था कुछ दिन पहले कि अभी भी लोग एक दूध के वाहन में और ट्रकों में बैठ बैठ के लोग बाड़मेर तक पहुंचे हैं। दुरत सिंह जी, अभी 2 दिन पहले ही शायद पहुंचे हैं बाड़मेर ऐसे लोग। देखिए निखिल जी, लोगों के आने का जो सिलसिला है वो तो जारी है और जारी रहेगा। आप सोचिए कि इतनी बड़ी जो संख्या है जो गुजरात महाराष्ट्र दक्षिणी भारत में जो लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन आज भी मेरे पास जो आपकी सीमाएं सील करी है ताकि बाड़मेर की तरफ अब कोई नहीं आ पाए, तो क्या ऐसा हो रहा है? देखिए लोग किसी न किसी आड़ में यहाँ पहुंच रहे, चाहे वो ट्रक के जरिए पहुंचे, चाहे किसी मालवाहक वाहन के अंदर इमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस के जरिए उसको 2,000-4,000 रुपए दे के पहुंचे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनका यहाँ पर मूल उद्देश्य रहता है कि वो ये किन प्रकार यहाँ पर पहुंच जाए अपने घर के पास, क्योंकि जहां पर वो लोग काम करते थे वहां पर उनके हालात जो है निकल गई बड़े खराब है। आज मेरे पास तेलंगाना से, पश्चिमी बंगाल से, यहाँ तक कि केरला से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र और गोवा से
वहां से लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए। मैं आपको क्या बताऊं इससे ज्यादा कि अगर महाराष्ट्र में जैसे कोई फंसा हुआ है के लिए अगर ट्वीट किया जा रहा है कि पुणे में फला जगह पे आप जाके कुछ उनके लिए राहत पहुंचाएं, लेकिन वहां से कोई जवाब तक नहीं आया, तो आप ये सोचिए कि कितनी इतनी बड़ी जो देश के साथ एक समस्या है ये बन चुकी है कि इन श्रमिकों का मजदूरों का क्या करें। वो बाड़मेर के साथ लगातार समस्या जुड़ी हुई है और लगातार लोग जो है वो चौहटन चौराहा जो है वो उनका एक बहुत बड़ा हब है, वहां पर लगातार बाड़मेर में लगातार ये स्थिति बनती है। पूरे दिन में सैकड़ों लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है क्योंकि वो ट्रकों के माध्यम से, मैंने जैसे पहले बताया मालवाहक जो दूसरे वाहन है उनके माध्यम से, इमरजेंसी के साधन से है उनके माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये समस्या लगातार जारी रहेगी क्योंकि अभी और घोषणा होगी लॉकडाउन और बढ़ेगा। दिलीप जी आप जालौर से, दिलीप जी एक बात बताइए कि इस दौर में जब ये कोविड 19 पर बात हो रही है इस वक्त रिपोर्टिंग कितनी चैलेंजिंग है? दिलीप जी देखिए रिपोर्टिंग तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन ये क्या महामारी है, ये कोई वो बात की आपदा वगैरह नहीं है। दिलीप जी थोड़ा फोन माइक पास लें, दिलीप जी फोन माइक पास लें, आपकी आवाज साफ नहीं है। रिपोर्टिंग चैलेंजिंग है लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसी आपदा नहीं है जहाँ पर पत्रकारों को, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है दिलीप जी, आ रही है। ऐसा है कि जैसे यहाँ जालौर में दो बार बाढ़ आई है तो उस प्रकार की रिपोर्टिंग और आज की रिपोर्टिंग में अंतर है क्योंकि ये एक महामारी है और यहाँ पर पत्रकारों को भी बहुत सतर्क रह के रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ जो भी सेंसिटिव मैटर है या जो गाइडलाइन जारी होती है सरकार की उसी के आधार पर काम करना पड़ रहा है। यही अच्छा अच्छी बात है कि भाई इस महामारी से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है, संभवतः है हम पत्रकार भी बचने के प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस महामारी से पता नहीं हमारे जरिए किसी और को भी नुकसान हो सके। दिलीप जी लेकिन आपका जो दिलीप जी जो आपका ग्रामीण इलाका है वहां पर लोगों को सरकार के मैसेज या WHO की जो गाइडलाइन है वो पहुंचाना वो कितना बड़ा चैलेंज होगा? वो ग्रामीण स्तर चैलेंज नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग यहाँ अभी फायदेमंद साबित हो रहा है। जी सोशल मीडिया है जो हर आदमी के पास है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुंच चुका है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और भी। लेकिन सोशल मीडिया पे जो अफवाहें भी फैलाई जा रही है उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है लोग क्या है कि लोगों की एक इमेज है, अफवाह है उसका हथवात इसका उपाय भी है कि भाई कंफर्म कर लेते हैं, जैसे कोई मीडिया से बंदा जुड़ा हुआ है तो उससे पता करते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, यही बात है। और भी जो इंटरनेट पे खूब साधन है जिससे पता चला सकते हैं कि अपन इस बात का पुख्ता है या नहीं है, जिसमें लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि 1 मई को लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि अभी तक लॉकडाउन की डेट नहीं आई है और आज अंत में पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 मई तक बढ़ाया है। तो ये एकदम अफवाहों पर भरोसा नहीं कर रही, जनता आज समझदार हो चुकी है। जरूर है सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत अफवाह होती है क्योंकि अभी तक इसमें समझने वाली बात है लेकिन लोग अब धीरे धीरे समझ गए हैं क्योंकि पुष्टि कर लेते हैं, उस पर भरोसा ज्यादा नहीं करते अफवाह पे, समझदार व्यक्ति से ये पुष्टि कर लेते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है, उसके बाद विश्वास करते हैं। दुरुग सिंह जी आपके वहां पर स्थिति ये है कि बाड़मेर बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा है, वहाँ आस पास के जो गाँव है वहाँ अभी भी बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, वहां पर हर धर्म हर मजहब के लोगों की एक आबादी है, कई कई गाँव तो किसी किसी एक धर्म से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपकी रिपोर्टिंग कितनी चैलेंज है? नहीं देखिए चैलेंज ही नहीं लेकिन इस रिपोर्टिंग के कई जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है क्योंकि आप ये सोचिए कि हमें हॉस्पिटल से लगाकर और जिला मुख्यालय में जहाँ बड़े से बड़े कार्यालय वहां पर रिपोर्टिंग का रोज का ये जो चैलेंज है इसको एक्सेप्ट करते हुए हालांकि शारीरिक जो प्रिकॉशन है वो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहां पर किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कई बार क्योंकि ये स्थिति रहती है कि हजारों की तादाद में बाड़मेर के रहने वाले जो लोग हैं वो प्रवासी के रूप में मजदूर के रूप में या अन्य कई स्थानों पर रुके हुए थे और जब वो यहाँ पर आए तो क्योंकि सीमा जो सीज हो चुकी थी और जगह जगह उनको एक बात को लेकर ये नोटिस दिया गया था कि आप मेडिकल जो है वो करवाए और कम से कम अगर आप में लक्षण पाए गए तो आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ये जो सारी सारी एक भय का वातावरण था इसको लेकर कई लोगों ने घर में खुद को छुपा लिया और कई लोग बार
इस तरह की शिकायतें भी प्रशासन के पास पहुंची कि पांच पांच सात सात दिन पहले जो लोग घर पे आए थे वो घर से बाहर नहीं निकले। तो सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा चैलेंज ये है कि कितने लोग बाहर से यहाँ पहुंचे और कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई, उसका सही तरीके से जो आकलन है वो किया नहीं जा सकता। और प्रशासन के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सही होगी, सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन वो उन लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे इस पर जरूर संशय खड़ा होता, क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया है कि बाड़मेर में बाहर से आने वाले जो ज्यादातर लोग हैं उन्होंने या तो खुद को छुपा लिया या फिर वो खुद चल के उनके प्रशासन के सामने या मेडिकल डिपार्टमेंट के सामने नहीं आए कि आप हमारी स्क्रीनिंग करें और हमारे में अगर लक्षण है तो हमारा उपचार करें। देखिए जी, आपसे एक सवाल बड़ा है, वो सवाल ये है कि जब आप तमाम पत्रकार, जगदीश जी आप हैं, सुनील जी आचार्य आप हैं, दिलीप जी आप हैं, आप तमाम पत्रकार जब फील्ड में काम करते हैं और कोई एक रिपोर्ट आप अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ में एक पूरी रिपोर्ट खोज परख के लाते हैं और रखते हैं और फिर वो जब सच होती है तो फिर उस पर प्रशासन को कार्रवाई करने में या सरकार को एक्शन लेने में दिक्कत क्यों होती है? देखिए निखिल जी, इसमें हम आपको हम और आप ये जरूर कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हाँ कई बार ये ऐसा होता है कार्रवाई होती भी है, लेकिन जब पूरा पर्दा फाश हो जाए और सीधे तौर पर ये हो जाए कि ये इनका जो किया हुआ कृत्य है वो गलत था और लोक सेवक की जो एक ड्यूटीज है उनकी श्रेणी में नहीं आता है। और इस बार बीडीओ का मामला कहें या फिर एक जो दूसरे अधिकारी है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 444 जो 40 माफ करें केवी गेहूं में जो एक कार्यरत कार्मिक है, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई नहीं, देखने में नहीं आया, तो ऐसा भी लगता है। और इसमें एक और निखिल जी मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि चौटन के जो विधायक है उनका एक ऑडियो बीते दिनों आपने भी सुना होगा और हर जगह वो काफी प्रचारित और प्रसारित हुआ, उसमें एक बात देखने के लिए आई कि मुख्यमंत्री भले ही चीख चीख के कह रहे हो कि जो गाइडलाइन है आप उसका पालन करें, उसको फॉलो करें, लेकिन जो दूसरे और उनके जो विधायक है, दूरचंद जी थोड़ा बता दें कि आप जिस विधायक की बात कर रहे हैं उनका नाम क्या और उनका ऑडियो किस तरह का था, क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शक जो बाहर है प्रवासी है वो नहीं जान पाए उन तक ऑडियो नहीं पहुंचा है, तो थोड़ा उस पर भी नहीं, वैसे सोशल मीडिया के जरिए ज्यादातर ऑडियो पहुंच जाते हैं और जगदीश जी पनावड़ा और दूसरे लोग तो इस मामले में बड़े कहते हैं कि खिलाड़ी है, उनको हर चीज सोशल मीडिया में जो वायरल होती है सबसे पहले वो कलेक्ट कर ही लेते हैं। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा पद्मराम जी का, जिनका एक ऑडियो बीते दिनों कथित तौर पर रिलीज हुआ था और उसमें एक जगह पे एक नाकर जो फोन पे रिकॉर्डिंग उसके अनुसार होता है और वहां पर जैसे ही कोई पुलिस कर्मी उनको वहां रुकवाते हैं तब वो विधायक जी को फोन करते हैं, विधायक जी उनसे पूछते हैं कितने लोग हैं, तो वो कहते हैं कि हम 10 लोग हैं, 2 लोग जो भी हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे बात कराइए और कहते हैं कि इनको जाने दीजिए। तो आप सोचिए कि नहीं, 5-5, 7-7, 10-10 लोग अगर पुलिस के नाके पर किसी जनप्रतिनिधि के फोन के बाद छूट जाए और वो इधर उधर चले जाए, मान लीजिए उनमें से कोई भी एक ऐसा कोरोना का संवाहक हो, तो आप सोचिए कि उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये लापरवाही है जो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होने की जहां बात करें जी, पर जी, जगदीश जी आप हमें कुछ बेंगलोर के नजारे दिखा रहे हैं सर? जगदीश जी जाएं जरा वहीं से कैमरा घुमाइए, जरा बेंगलोर को देखना चाहेंगे दर्शक कि वहां पर अभी किस तरह का है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाते हैं। अभी सूर्यास्त का टाइम करें, सूर्यास्त होने का टाइम हो रखा है और इस समय यहाँ जो शांत वातावरण है एकदम, मतलब लॉकडाउन का चलते यहाँ पे लोग पूरी तरीके से पालन करते हैं। आप बेंगलोर में किस जगह पर हैं इस वक्त आप जगदीश जी? मैं बेंगलोर में जो विधानसौधा बोलते हैं वो पास में ही पड़ता है यहाँ से, नजदीक में एवेन्यू रोड का जो एरिया है उस एरिया में हूँ मैं। यहाँ पे एक समय में आप यहाँ के लोग है ना, अभी बहुत सारे मतलब प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जागरूक भी है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब बेंगलोर कर्नाटका का नाम आपको मालूम ही, आपने देखा होगा लिस्ट में कहाँ था, और आज कर्नाटका का नाम है जो 12वें 13वें नंबर पे आज है।
तो ये एक प्रशासन को सहयोग है, यहाँ के अपने जो लोग है उन्होंने बहुत सहयोग किया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने इधर वो छत पे देखो अपने पड़ोसी लोग है जो किस तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हैं। सुनील जी आप थोड़ा माउंट की तरफ अपना कैमरा घुमाएंगे, माउंट की वादियां कुछ दिखा सकते हैं आप जहाँ खड़े इस वक्त? मैं बता दूं, मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा माउंट आबू का ही क्षेत्र है। ये एक गांव है जिसका लोकेलिटी है जिसका नाम माझगांव है। अब ये जो हरदम पूरा पैक रहता है, भीड़ से रहता है, आज बिल्कुल खाली है, एक आध आदमी कोई आपको दिखता घर के बाहर। ये माउंट में अगर कहते तो नक्की झील का जो एरिया बताते हैं उससे खूबसूरत है। पीछे आप पहाड़ी देख सकते हो, ये पूरा पहाड़ क्षेत्र है, ये पूरी ग्रीनरी है। पूरा इस लॉकडाउन का स्तर तो माउंट आबू में भी पूरा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्क। सुनील जी आपको टोकूंगा, आपके माउंट का जो भी व्यापार है वो पर्यटकों पर निर्भर है, तो इस वक्त माउंट के व्यापारियों की स्थिति क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला है कि माउंट आबू पूरा का पूरा पर्यटकों के ऊपर ही आधारित है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है, होटल बिजनेस हो या टूरिस्ट से जो भी रिलेटेड बिजनेस, पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है। लोगों की ये स्थिति है कि होटल, रेस्टोरेंट और जो भी पर्यटकों से जुड़ी हुई है वो सारी बंद है, और उसका इफेक्ट तो यहाँ पे पड़ ही रहा है। और उनके साथ डबल मार ये पड़ रही है कि जो उनका स्टाफ है, एक तो आवक नहीं हो रही है और उनका स्टाफ का बर्डन है, क्योंकि स्टाफ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाद में उनकी लाइबिलिटी रहती है कि हमारा स्टाफ हमारे को बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो बड़े असमंजस की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हमारे भी नहीं सकते और ऑफिस के पैसा भी देना पड़ेगा, उनको निकाल भी नहीं सकते और उनको रखना भी आवश्यक है, तो उनको डबल मार पड़ रही है, उनकी आवक भी नहीं हो रही है और उनको पैसा भी देना पड़ रहा है। जी निखिल जी, सुनो जी रुके, दिलीप जी आपकी ग्रेनाइट सिटी है, वहाँ ग्रेनाइट मार्बल की स्थिति क्या है इस वक्त जालौर में? स्थिति बड़ी डामाडोल है और कंट्रोल में नहीं है। ग्रेनाइट सिटी तो है ही, लेकिन दो साल से मंदी खेल रही है ग्रेनाइट यहाँ की और इस बार बहुत क्योंकि यहाँ जो मजदूर है काफी मजदूर चले गए थे, लेकिन यहाँ काफी मजदूर यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। मंदी की मार झेल रही है दो साल से और ये कोरोना बहुत बड़ी मंदी है। जुरुत सिंह जी आपका बाड़मेर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, जहां पर हजारों हजारों की तादाद में लेबर वहां पर काम कर रही है, तेल गैस के दोहन के क्षेत्र में जुड़ी है। ये रिपोर्ट आपकी भी हम पढ़ रहे थे कि कोरोना में जहां पर पूरा देश लॉकडाउन है उस दौरान ये एनर्जी और पावर सेक्टर में जो कंपनियां बाड़मेर में काम कर रही है वहां पर आज भी हजारों मजदूर रोज प्लांट में जाते और काम करते हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा है? सरकार इस तरफ देख रही है कोई आपकी रिपोर्ट के बाद? देखिए, जब ये रिपोर्ट प्रसारित की गई थी उसके बाद केएम का ऑफिशियल बयान भी आया था दूसरे ही दिन की, चूंकि ये बेहद महत्वपूर्ण तेल उत्खनन का जो कार्य है वो है, और हम जो सुरक्षा के जो सारे मानक है उसको पूरा करते हुए और जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है वो सारी अपनाते हुए हम कार्य कर रहे हैं और बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और सेफ्टी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो चूंकि इसको इमरजेंसी सर्विसेज के दायरे में डाल दिया गया और ये जो बयान है, ये केएम का ऑफिशियली बयान जो है वो ट्विटर के जरिए और वीडियो विजुअल के जरिए वो सारी की सारी दुनिया के सामने आ गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि केएम जो है वो बाड़मेर के अंदर। दुरुत सिंह जी, आप ग्राउंड की स्थिति बताइए, ये अधिकृत बयान था, ये सरकारी पॉलिसी है इमरजेंसी सर्विसेज के तहत तेल दोहन को मान लिया गया सही होगा, लेकिन ग्राउंड पे जो वहाँ पर हिंदुस्तान के हर राज्य से वहाँ पर जो लेबर काम कर रही है वहाँ पर स्थिति क्या है ग्राउंड पर? मैं आपको बताऊंगा निखिल जी कि वहाँ पर लॉकडाउन के बाद से ही वहाँ काम करने वाले जो लेबर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो उनका यहाँ पर रहना और जिस तरीके से शिफ्ट चेंज होती है बार बार उसमें उनको इस बात का संदेह रहता है कि कोरोना का जो वायरस है वो उनको संक्रमित कर सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एमपीटी जो है वहां पर भी कई बार हमारे पास इस बात को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई कि हमें फला कंपनी ने वहां से निकाल दिया और हमें एक जगह पे कैद करके छोड़ दिया है और वहां पर सिर्फ हमें ये कह रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन चलेगा हम आपको राशन देते रहेंगे, चावल और जो भी आटा और दाल है। लेकिन
सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर रोजगार का जो एक तरीके से लॉस कह सकते हैं वो हो चुका है। काफी सारे जो है वो या तो कंपनियों से निकाले जा चुके हैं, और जिन लोगों ने ज्यादा विरोध किया वो एक बार या दो बार प्रशासन की द्वारा बस के जरिए उनको जब तक परिवहन का व्यवस्था थी तब तक उनको वहां से निकाल दिया था। तो यहाँ तेल उत्खनन चल रहा है और इसमें इस बात को लेकर कतई ये कहा नहीं जा सकता कि कोरोना वायरस जो है इससे ये बचे हुए हैं। पहले तो ये भी कहा जा रहा था वहां कोई जहां जहां ये पे प्लांट है जहां जहां पर ये ज्यादा लेबर काम कर रही है वहां कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से कोई अलग से व्यवस्था की गई है इनकी स्कैनिंग की, इनकी जांच को लेकर, कोरोना जांच को लेकर कोई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर अंशदीप जिला कलेक्टर थे तब मेरी उनसे बात हुई थी, तब भी उन्होंने इस बात को लेकर ये कहा था कि वहां पर सारे के सारे जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं और उनका इम्प्लीमेंट जो है वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। और जब हमारी केन के जो ऑफिशियल जो लोग उनसे बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हमने जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम अपना काम संपादित कर रहे हैं। चलिए दूप सिंह जी, दिलीप जी, जगदीश जी और सुनील जी, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप खुद एक योद्धा बनकर लगातार फील्ड में जा रहे हैं, एक आम आदमी की तकलीफ को सामने ला रहे हैं, प्रशासन के सामने ला रहे हैं, सरकार के सामने ला रहे हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप खुद अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो इसलिए आप जब भी फील्ड में रिपोर्टिंग करें, क्योंकि एक अलग तरह की रिपोर्टिंग है, हम अब तक कर रहे, जैसे कि दिलीप जी बता रहे थे कि बाढ़ में या बाड़मेर में अकाल की जो रिपोर्टिंग करना है वो एक अलग तरीका था, लेकिन ये COVID-19 को लेकर जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं फील्ड में हैं वो आप अपना पूरा ध्यान रखें, और हमें जब भी लगेगा हमारे मंच पर कि आप लोगों की वो राय, आप लोगों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दुनिया में जहाँ भी हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहें, जो प्रवासी हैं जो हमसे जुड़े हैं वो जान पाएं कि उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने घर के आसपास किस तरह का माहौल है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आपका।